ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इंसान की कुंडली और राशियों के माध्यम से व्यक्ति के भविष्य के बारे में जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले समय में क्या हासिल करेगा, उसके जीवन में खुशियां आएंगी या फिर दुखों का सामना करना पड़ेगा, ये सभी जानकारियां हमें व्यक्ति की राशि से पता लग सकता है। लेकिन ग्रह नक्षत्रों में होने वाले परिवर्तन की वजह से सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर ग्रहों की स्थिति ठीक दशा में हो तो राशियों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन वहीं अगर ग्रहों की दशा ठीक स्थिति में ना हो तो इसका प्रभाव बुरा भी पड़ता है। ग्रहों की चाल के अनुसार व्यक्ति के जीवन में भी उतार चढ़ाव बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सितंबर महीने का दूसरा सप्ताह बहुत ही खास रहने वाला है, जिसकी वजह से ऐसी 4 राशियां हैं जिनको बहुत ही लाभ मिलेगा। इस राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी जी मेहरबान रहेंगी और उनके जीवन से धन से संबंधित सभी परेशानियां भी दूर होंगी। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से उन्हीं राशियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन 4 राशियों को महालक्ष्मी मालामाल करने वाली हैं। पहला, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत से नए परिवर्तन को भी देखेंगे। ग्रह आपके ऊपर मेहरबान रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आप अपनी कोशिशों से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार करेंगे और सफलता के नए कीर्तिमान को भी स्थापित करने में आप कामयाब रहेंगे। लेकिन आप किसी के बहकावे में कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिए, आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में नई सफलताओं को प्राप्त करेंगे, धन से संबंधित सभी परेशानियां भी दूर होंगी। इसके साथ ही आपको धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है, आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत भी होगा। दूसरा, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह से इनका समय बहुत ही खास रहने वाला है। इस राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा दृष्टि बरसने वाली है, जिसकी वजह से आपका आने वाला समय बहुत ही आनंददायक रहेगा। काफी सालों से रुका हुआ कार्य आपका पूरा होगा, जिसकी वजह से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। जो व्यक्ति व्यापारी हैं उनको व्यापारिक क्षेत्र में मुनाफा प्राप्त होगा। नौकरी पेशा वाले व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और उन्नति की ओर भी बढ़ेंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके बिगड़े हुए काम पूरे होंगे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। अचानक धन लाभ होने की वजह से आपका मन खुश रहेगा। महालक्ष्मी जी का नाम लेकर शुरू किया गया व्यापार बहुत ही लाभदायक साबित होगा। क्रोध को त्याग कर शांति का मार्ग अपनाएं, आपको लाभ मिलेगा। तीसरा, कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सितंबर महीने का दूसरा सप्ताह बहुत ही खास रहने वाला है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई खुशखबरी मिल सकती है, पारिवारिक विवाद भी खत्म हो जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में हैं, उनको प्रेम से संबंधित मामलों में अपार सफलता हासिल होगी। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होंगे। आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। आप अपने किसी महिला मित्र से मुलाकात करेंगे, समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। चौथा, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सितंबर महीने का दूसरा सप्ताह बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर माता लक्ष्मी जी मेहरबान रहेंगी, आपके जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर होंगी और धन कमाने में आप सफलता भी हासिल करेंगे। जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं उनकी आय में वृद्धि होने के साथ साथ पदोन्नति होने की संभावना भी बन रही है। व्यापारियों को साझेदारों से लाभ मिलेगा। आप अपने दुश्मनों पर
विजय हासिल करेंगे, माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपने कार्य क्षेत्र में भारी लाभ मिलने वाला है। अगर आप कहीं निवेश करते हैं तो उसमें आपको फायदा मिलेगा, आपकी सेहत भी ठीक बनी रहेगी। तो दर्शकों, हमने बताया उन चार राशियों के बारे में जिनको सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में माँ लक्ष्मी जी मालामाल करने वाली हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं बाकी की बची हुई राशियों का हाल कि कैसा रहेगा उनका आने वाला समय। तो बची हुई राशियों में से शुरू करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वाले व्यक्तियों का समय मिला जुला साबित होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, दोस्तों के साथ आप कहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं, आपके द्वारा की गई कोशिश सफल होगी, लेकिन आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें, नहीं तो आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि पेट से संबंधित परेशानियां पैदा होने की संभावना बन रही हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का समय कुछ खास नहीं रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सोच समझकर चलना होगा। आपकी इच्छाओं में वृद्धि हो सकती है जिसकी वजह से अधिक धन खर्च होगा, इसलिए आप अपने फिजूल खर्चे पर काबू रखें। जहां पर जरूरत है वहीं पर धन खर्च कीजिए, नहीं तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने जीवन साथी से कोई उपहार भी ले सकते हैं। धन से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन में आप सावधानी बरतें। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का समय थोड़ा चिंताजनक रह सकता है। माता की सेहत की चिंता लगी रहेगी, इसके साथ ही संतान की शिक्षा की भी चिंता रहेगी, लेकिन जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं, उनके लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा। आपको शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में हैं, उनको प्रेम संबंधों के मामलों में संभल कर चलना होगा। आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, नहीं तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां पैदा हो सकती हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले व्यक्तियों का समय मध्यम रहेगा। कार्यभार अधिक होने की वजह से आप थकान भी महसूस करेंगे, कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने पुराने मित्रों से मुलाकात भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन प्रसन्न होगा। आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएंगे, आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। अगर आप कहीं निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा नहीं है। वाहन चलाते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है, जल्दबाजी में आप कोई भी फैसला मत लीजिए, नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति व्यापारी हैं, उनको व्यापार में लाभ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी, आप किसी सामाजिक उत्सव में भी भाग ले सकते हैं। जिन व्यक्तियों की अभी तक शादी नहीं हुई है, उनको शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। कहीं पर निवेश मत कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, आपकी सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आने वाले समय में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने उन दोस्तों का साथ छोड़ना होगा जो गलत काम करते हैं, नहीं तो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। धार्मिक कार्यों की ओर आपका रुझान रहेगा, आपके परिवार के किसी सदस्य से कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं, उनको अपने कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको अपने सहकर्मियों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी तरक्की को देखकर वो जलेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय मिला जुला साबित रहेगा। जो व्यक्ति व्यापारी हैं, वो व्यापार के सिलसिले में किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लाभ मिलेगा, फिजूल खर्ची होने की संभावना भी बन रही है।
दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से आप दूर रहें, नहीं तो आप मुसीबत में भी आ सकते हैं। संतान की ओर से सभी चिंताएं दूर होंगी। विद्यार्थियों के लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा। आपका मन पढ़ाई में लगेगा। आपकी सेहत मध्यम रहेगी। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले व्यक्तियों को आने वाले समय में धन से संबंधित मामलों में सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है। इस राशि वाले व्यक्तियों के व्यापार में वृद्धि होगी। आप अपने भविष्य के बारे में योजना बना सकते हैं। माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। आप नए वस्त्रों और आभूषणों की खरीदारी भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका अधिक धन खर्च होगा। आप अपने मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार ना आने दें। आपकी सेहत में गिरावट आने की संभावना बन रही है। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। स्टार्ट योर करियर विद अस।